Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter. Chapter is chapter number 9, concept of revenue. Okay, so in our previous lecture we have already discussed about the what is revenue and a total revenue, marginal revenue and average revenue. So in which we studied about what is total revenue, what is marginal revenue and what is average revenue and how to measure this. Okay, how to measure these content, total revenue, marginal revenue and average revenue. Okay, so today we will discuss our next topic. So yes, first of all students, हम क्या करेंगे यहाँ पर एक प्रैक्टिकल के जरिए जो ये हमारे कंसेप्ट है टोटल रिवेन्यू, मार्जिन रिवेन्यू एंड एवरेज रिवेन्यू, ठीक है, एक प्रैक्टिकल लेते हैं और उस प्रैक्टिकल से इसे हम इस ये जो कंसेप्ट है हमारे इनको हम समझेंगे. सो लेट अस बी प्रैक्टिकल. Yes, students. So actually हम ये जो प्रैक्टिकल करेंगे ये हम करेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में. सो व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, क्या होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. सो स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या है, हमारे पास मार्केट जो होती है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट और ओलिगोपोली मार्केट. ओके, सो जो हमारे पास जो सिलेबस में है वो सिर्फ क्या है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है हम स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो चैप्टर मार्केट का फॉर्म्स ऑफ मार्केट है आप में के पास, उसमें से मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट जो है वो इस साल डिडक्ट कर दिया गया है. तो हम सिर्फ जो स्टडी करेंगे वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की ही स्टडी करेंगे. और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो हम मतलब जो एक्सप्लेनेशन पूरी करेंगे वो हम करेंगे अपने चैप्टर नंबर 12 में, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में. ओके, सो यहाँ पर जस्ट आपके पास परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपको वैसे ही नॉर्मली बता देती हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट हमें करना है. सो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज सेट टू एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स ऑफ अ कॉमोडिटी. की परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो होती है वो क्या होती है, जिस मार्केट में ई कॉमोडिटी के क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स पाए जाते हैं एंड नो इंडिविजुअल बायर और सेलर हैज एनी कंट्रोल ओवर हिज प्राइस. क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं तो कोई भी एक सिंगल सेलर या सिंगल बायर जो होता है वो प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है, अगर उसमें मतलब कि उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा कोई भी सिंगल बायर या सिंगल सेलर. इन दिस मार्केट प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, प्रोडक्ट होमोजीनियस होते हैं एंड इट्स प्राइस डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड. और इस मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं, जो कॉमोडिटीज होती हैं, उनके प्राइस जो है वो मार्केट के अंदर मार्केट जो सप्लाई है, मार्केट डिमांड है, उनकी फ्री फोर्स के जरिए डिटरमिन होते हैं. ओके, सो जो भी प्राइस एक बार डिटरमिन हो जाते हैं, निकाल लिए जाते हैं, उसके बाद हर एक फर्म को जो है उसी प्राइस के ऊपर सारे प्रोडक्ट सेल करना होता है. ओके, कोई भी एक होमोजीनियस प्रोडक्ट आप जो है ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई एक कोई मतलब कि जो आपके पास आज की मार्केट में कोई भी एक प्रोडक्ट ले लें जो होमोजीनियस एक जैसी चीज मिलेगी आपको. जैसे हम ये कहें कि जैसे आपके पास कोई भी पेन है, एयर जेल का पेन है, ठीक है, सो एयर जेल का पेन जो 10 रुपीज का पेन है वो 10 रुपीज का आपको सभी जगह पर 10-10 रुपीज का ही मिलेगा. अगर आपको कोई एक सेलर मान लो वो 10 की जगह 11 रुपीज में सेल कर रहा है और आप जो है इस मार्केट के अंदर आपको परफेक्टली नॉलेज होती है प्राइजेस की कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये इतने ही रुपीज का है, ठीक है, 10 रुपीज का है तो 10 ही रुपीज का है. और कोई भी एक सिंगल सेलर मान लो उसी प्रोडक्ट को 10 के बजाय 11 रुपीज में सेल करना चाह रहा है, ठीक है, वो 11 रुपीज में सेल करेगा, तो आप उससे क्या करेंगे, आप उसे उस सेलर से वो प्रोडक्ट नहीं परचेज करेंगे. क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है
मार्केट में उस प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं वो 10 रुपीज हैं, और आप किसी भी शॉपकीपर से वो 10 रुपीज में वो प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो आप वहां से परचेज नहीं करेंगे। यानी कोई भी सिंगल सेलर या आप ये कहें कोई भी सिंगल बायर जो है वो इस मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, प्राइस जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर फिक्स होते हैं। एक बार इंडस्ट्री ने कोई प्राइस फिक्स कर दिए, ठीक है, मान लो एक जैसे 10 रुपीज यहाँ पर फिक्स हो गए, तो वो 10 ही रहेंगे, उसके 10 से 11 नहीं होंगे और 10 से 9 भी नहीं कोई बेचेगा। उसके रीजन है वो हम आके जब मार्केट का चैप्टर करेंगे तो उसमें हम आपको सब कुछ क्लियर करेंगे कि कैसे। ओके, सो आप जनरली बस ये जो, क्योंकि इसमें आया है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, इसलिए आपको मैंने थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन जो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में के बारे में बताई है। ओके, तो लेट अस टेकन एज एन एग्जांपल ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सो अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस मेकर। एक्चुअली इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट अ फर्म इज अ प्राइस टेकर, नॉट अ प्राइस मेकर। क्योंकि हमने अभी बोला ना कि जो एक प्राइस है वो एक बार फिक्स कर दिया गया फ्री फोर्स के जरिए मार्केट में, मार्केट डिमांड और सप्लाई के जरिए इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट के प्राइस जो हैं डिटरमिन हो गए, मेजर कर दिए गए। जैसे मैंने बोला कि पेन का प्राइस 10 रुपीज है, तो वो 10 रुपीज फिक्स कर दिए गए कि अब ये कोई भी फॉर्म होगी वो उसी 10 रुपीज के ऊपर उस प्रोडक्ट को सेल करेगी। अब क्या हुआ, तो इट मीन्स की सभी फर्में क्या हो गई, वहां पर प्राइस टेकर है, नहीं, प्राइस एक्सेप्ट कर रही है कि वो 10 रुपीज पर ही सेल कर पाएंगी, ठीक है, वो प्राइस मेकर नहीं है, उन्होंने प्राइस फिक्स नहीं की। सो इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है, फर्म इज अ प्राइस टेकर, नॉट अ प्राइस मेकर। सो इट मेक्स मार्केट प्राइस एज गिवन। तो सिंस मार्केट प्राइस, यानी कि इट मीन्स मार्केट प्राइस इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मार्केट प्राइस is equal to average revenue AR of the firm, AR of the firm। क्योंकि मैंने आपको अभी पीछे जब हमने स्टडी किया था पिछले लेक्चर में, तो हमने आपको ये बताया था कि जो एवरेज रिवेन्यू होता है वो क्या होता है, एवरेज रिवेन्यू रेफर्स टू रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, और यही हमारा क्या होता है, प्राइस, क्योंकि एआर ही हमारा प्राइस है। ये हमने पिछले वाले लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि एवरेज रिवेन्यू ही हमारा क्या होता है, प्राइस होता है। ओके, सो मार्केट प्राइस जो होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ फर्म। वी कैन स्टेट दैट ए आर इज गिवन टू अ फर्म, सो इंप्लाइंग दैट इट कैन सेल एनी क्वांटिटी एट अ गिवन प्राइस और द गिवन एवरेज रेवेन्यू। ओके, सो लेट अस अज्यूम द प्राइस ए आर, हम मान लो मान के चलते हैं। सो लेट अस अज्यूम द प्राइस ए आर इज इक्वल टू ₹10। ओके, ये हमने मान के चल रहे हैं। ओके, सो लेट अस अज्यूम द प्राइस अज्यूम द प्राइस प्राइस मतलब मीन्स ए आर इज इक्वल टू ₹10। सो गिवन दिस द ए आर टी आर एंड एम आर शेड्यूल ऑफ अ प्राइस वुड बी, यस, हम जो है ना, अगर हमारे पास मान लो एक बार प्राइस हमारे पास ए आर आए हैं 10 रुपीज है, तो हम इजिली इससे जो है अपना टोटल रिवेन्यू और मार्जिन रिवेन्यू जो है दोनों हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, आप ये देखिए कि आपके पास यहाँ पर क्लियर होगा टेबल से। सो वी मेक अ टेबल, यस, टेबल नंबर 1। सो टोटल रिवेन्यू टी आर, एवरेज रिवेन्यू ए आर एंड मार्जिन रिवेन्यू एम आर। ओके, व्हेन एंड ए आर इज कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू, हमने कितने माने हैं, 10 रुपीज, सो ₹10। ओके, यस, आउटपुट मीन्स क्यू और इन यूनिट्स। Then price means AR, price means P is equal to AR, ठीक है, in rupees, okay, after that total revenue TR is equal to, how to measure it, AR multiply
क्यों इन रुपीज एंड देन मार्जिनल रिवेन्यू ओके एम आर इज इक्वल टू ER n माइनस 1 इन रुपीज ओके ओके स्टूडेंट सो नाउ यस आउटपुट हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 ओके देन प्राइस पी इज इक्वल टू ए आर मीन्स ये हमारे पास क्या होगा हर लेवल के ऊपर 10 होगा क्योंकि प्राइस हमारे फिक्स हैं अब इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में अभी आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बताई है ना परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जिसके अंदर एक बार प्राइस जो है इंडस्ट्री के द्वारा फिक्स कर दिए जाएं तो सभी फर्म जो है उसी प्राइस के ऊपर क्या करेंगी अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट होते हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट ओके सो 10 एक बार 10 फिक्स हो गए हैं हमारे प्राइस सो 10 10 ही होंगे देन टोटल रिवेन्यू टी आर इज इक्वल टू ए आर क्योंकि ए आर इज इक्वल टू क्या होता है टी आर बाई क्यू सो टी आर इज इक्वल टू ए आर मल्टीप्लाई क्यू ओके सो ए आर यस तो टी आर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 10 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 20 10 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 30 10 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 40 एंड 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 50 ओके एंड एम आर इज हाउ टू कैलकुलेट मार्जिन रिवेन्यू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1 सो यहाँ पर हमारे पास 10 माइनस 0 पीछे ऊपर कुछ नहीं है तो ये तो 10 ही आएगा सो यहाँ पर 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10 एंड 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10 ओके सो नाउ यू कैन चेक द फॉलोइंग रिलेशनशिप आप जो है आप बिल्कुल इजिली इस टेबल से थ्रू दिस टेबल यू कैन चेक द फॉलो चेक द रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एम आर एंड ए आर ओके देखिए फर्स्ट टी आर इज इक्वल टू ए आर मल्टीप्लाई क्यू ओके इज इक्वल टू मीन्स इज इक्वल टू रुपीज ये ₹10 ए आर क्योंकि हमारे पास 10 है और अगर हम बात करें 5 यूनिट तक बात करें तो ₹50 ओके और यू कैन से ए टी आर इज इक्वल टू समेशन एम आर ओके सम टोटल ऑफ मार्जिन रिवेन्यू कोरस्पोंडिंग टू एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट ओके जैसे मीन्स रुपीस से आप ऊपर देख रहे हो ना यहाँ पर यानी कि यहाँ पर आपके पास समेशन एम आर यानी कि ₹10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 ओके सो ये देखिए 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 हमने सभी मार्जिन जो रिवेन्यू है उनके सभी को हमने उनके आइटम्स को ऐड करा सो हमारे पास ये कितना आया ₹50 सो आप जो है चाहे आप इस फॉर्मूले से टोटल रिवेन्यू को आप मेजर करें चाहे आप टी आर इज इक्वल टू समेशन एम आर ओके सेकेंड इज ये सेकेंड इज ए आर इज इक्वल टू यू नो दैट ए आर इज इक्वल टू टी आर बाई क्यू ओके इट मीन्स 50/5 मीन्स ₹10 इज इक्वल टू प्राइस यही हमारा क्या होता है प्राइस ओके थर्ड इज एम आर इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1 ओके जैसे हमने ऊपर किया ₹50 माइनस ₹40 ये हमने किया तो हमारे पास कितना आया ₹10 ओके सो ऑल्सो चेक दैट इफ सो हम इसके साथ साथ देखिए अब ऊपर में आपको टेबल में जो मेन चीज आप देखिए इसमें जो है अब ये देख रहे हैं कि जब आपके पास एवरेज रिवेन्यू यानी प्राइस कांस्टेंट है 10 10 10 10 10 ओके और उस पर जो टोटल रिवेन्यू है वो आपकी क्या हो रही है 10 20 30 40 50 यानी ये इंक्रीज हो रही है पर किससे कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती है यानी जब आपके पास प्राइस आपके पास कांस्टेंट होते हैं फिक्स होते हैं तो वहां पर टोटल रिवेन्यू आपकी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगी 10 10 से इंक्रीज हो रही है ना
यहाँ भी 10 से इंक्रीज हुई, फिर 10 से 10 से, सो कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है. और जब टोटल रिवेन्यू कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है तो मार्जिन रिवेन्यू हमारी क्या आ रही है, 10 10 10 10 10. यानी कि इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट अगर आपके पास एवरेज रिवेन्यू फिक्स है, और जो एवरेज रिवेन्यू जितनी होती है वही आपकी मार्जिन रिवेन्यू होगी. देखिए यहाँ पर एवरेज रिवेन्यू भी आपका 10 10 10 10 है और मार्जिन रिवेन्यू भी 10 10 10. यानी कि यहाँ पर इन परफेक्ट, यानी कि यू कैन से इम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट AR इज इक्वल टू MR. मार्जिन रेवेन्यू है, मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू किसके होती है, AR के, यानी कि MR के. ओके, सो इट मींस कि AR जो है आपके पास एवरेज रेवेन्यू का जो कर्व होगा वही आपका इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट मार्जिन रेवेन्यू का भी कर्व होगा, सेम वही कर्व होगा. ओके, सो वी कैन गेस नाउ वी डिस्कस सम फ्यू फ्यू मोर रिलेशनशिप्स. सो फर्स्ट यू कैन वर्क आउट अ फ्यू मोर रिलेशनशिप फ्रॉम दिस टेबल. ये जो टेबल है, इस टेबल से आप और भी कुछ थोड़े से और भी आप रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर निकाल सकते हैं. हम पहले टेबल देखें, उसको ऑब्जर्व करते हैं. तो उसको ऑब्जर्व करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा. देखिए हम पहले टेबल ऑब्जर्व करें. तो इस टेबल में अभी वैसे मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया है. फर्स्ट एमआर इज सिंपली एन एडिशन टू टीआर. यू नो दैट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड और प्रोड्यूस. तो इन केस प्राइस इज कांस्टेंट. ठीक है, प्राइस इज कांस्टेंट यानी इंप्लाइंग एआर इज कांस्टेंट, देन एमआर इज आल्सो कांस्टेंट एंड एआर बीइंग इक्वल टू एमआर. ये मैंने अभी आपको सारा क्लियर किया है इसे. एंड कांस्टेंट एमआर, क्योंकि कांस्टेंट है ना एमआर, सो कांस्टेंट एमआर इंप्लाइज कांस्टेंट एडिशन टू टीआर. अगर आपके पास एमआर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो टोटल रिवेन्यू है उसमें कांस्टेंट एडिशन हो रहा है टोटल रिवेन्यू में, व्हेन द है ना एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज सोल्ड और प्रोड्यूस. सो दिस इंप्लाइज दैट टीआर विल इंक्रीजेस इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट. क्लियर? So now we make a diagram. Yes. So diagrammatic illustration. Illustration. AR. MR and TR when price is constant. When price is constant. So in case price AR is constant as under perfect competition, MR is also constant. अभी हम ऊपर देख कर आए हैं, इसको समझ कर आए हैं. So implying that TR increases at a constant rate because MR indicates the rate at which TR increases. So increasing at constant rate, total revenue form a straight line. क्योंकि अगर आपके पास, मैंने आपको पहले बताया कि जब कोई भी चीज है वो अगर कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज होती है तो उसका क्या होगा, कॉन्स्टेंट रेट से अगर इंक्रीज होता है तो उसकी शेप कैसे बनती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अपवर्ड बनती है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन. ओके, तो इसका क्या बनेगा, सो अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजन. ठीक है, और ये ओरिजन से स्टार्ट होगी. जैसे कि अगर हम बात करें उस, अगर हम ऊपर का डायग्राम बात करें तो देखिए कैसे होगा डायग्राम, क्या बनेगा इसका. यस, ओके, यहाँ पर बताएं. सो टीआर, यहाँ पर हम टीआर दिखाएंगे, रिवेन्यू इन रुपीस एंड आउटपुट इन यूनिट्स.
रिवेन्यू इन रुपीस. ओके, सो यहाँ पर हम दिखाएंगे टोटल रिवेन्यू टी आर व्हेन प्राइस इज कॉन्स्टेंट, व्हेन प्राइस इज कॉन्स्टेंट. एंड यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एस्टिमेशन ऑफ टी आर, एस्टिमेशन ऑफ टी आर थ्रू एम आर व्हेन प्राइस इज कॉन्स्टेंट. व्हेन प्राइस इज कॉन्स्टेंट, ओके. सो यस स्टूडेंट, सो एक्चुअली हमने अभी देखा कि जो टी आर है वो कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, और कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज होगा तो देखिए आप यहाँ पर ऊपर देखें, ठीक है, अगर इससे ऊपर जीरो पर जाएं तो ये जीरो होगा, यानी आप और टी आर को ओरिजिन जीरो से स्टार्ट करें, और ये क्योंकि कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास ये क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन. यस, यहाँ से स्टार्ट होगा और सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा ये टी आर. ओके, यहाँ पर हम कोई भी ले लेते हैं टी एंड एल. ओके, सो यही पर मान लो ये प्राइस जो है ओ एस फिक्स हो गई, स्पीड ना ओ एल प्राइस है, तो हम यहीं से स्टार्ट करें ये, ठीक है, ये ओपी हो गए. सो यहाँ पर क्या बनेगा, ये पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या होगा, एम आर इज इक्वल टू ए आर, क्योंकि जो हमारा ए आर जो प्राइस होते हैं वो ए आर होता है, और उस ए आर पे हमने देखा इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बाजार वैल्यू भी आपकी ए आर के इक्वल होगी, तो यही जो कर्व है यही कर्व हमारा ए आर होगा और यही कर्व हमारा एम आर होगा. सो एम आर इज शोन टू बी कॉन्स्टेंट बिकॉज ए आर इज कॉन्स्टेंट. ओके, सो स्टूडेंट्स, सो ये जो फिगर है ये क्या शो कर रही है कि इफ आउटपुट लेवल इज ओ एल, अगर हमारा क्या हो रहा है आउटपुट का लेवल कितना है, ये ओ एल, ठीक है, ये ओ एल है हमारे पास. सो आउटपुट लेवल ओ एल टी आर इज इक्वल टू ओ एस, टोटल रिवेन्यू हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर, टी आर इज इक्वल टू ओ एस, यहाँ तक हमने लिया एक पॉइंट ओ एस. ओके, ओ एस एंड अल्टरनेटिवली टी आर कैन बी एस्टिमेटेड एज द मल्टीपल ऑफ ए आर, ए आर मीन्स इज इक्वल टू प्राइस एंड आउटपुट. ओके, हमारा ऐसे निकलेगा ना हमारे पास, सो सो दैट टी आर इज इक्वल टू ए आर मल्टीप्लाई आउटपुट. ओके, सो इट कैन आल्सो बी एस्टिमेटेड एज द टोटल एरिया अंडर एम आर कर्व, हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं जो एम आर के अंडर जो जितना टोटल एरिया है उससे भी निकाल सकते हैं. सो कोरस्पोंडिंग टू अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, बिकॉज टी आर इज द समेशन सम टोटल ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू कोरस्पोंडिंग टू ईच यूनिट ऑफ आउटपुट. जैसे कि आपको ये फिगर दिख रही है, ये वाली फिगर दिख रही है ना, इस फिगर के अंदर क्या दिख रहे हैं, सो ये जो फिगर है इज ड्रोन द अजम्पशन दैट प्राइस इज कॉन्स्टेंट फॉर अ फर्म. हम ये अजम्पशन मान के देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो हमारे कॉन्स्टेंट है, ठीक है, एक फर्म के लिए, एंड इम्प्लाइंग दैट ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ओपी, ठीक है, ये फिक्स हो गया हमारे प्राइस ओपी. ओके, और यहाँ पर इस फिगर के अंदर इफ आउटपुट इज ओ एल, मान लो हम यहाँ पर आउटपुट ले लेते हैं, यहाँ पर ये, ठीक है, ये हमने आउटपुट ओ एल ले लिए, ठीक है, ये ओ एल आउटपुट ले लिए. सो इफ आउटपुट इज इक्वल टू ओ एल देन टी आर इज इक्वल टू, यस, इफ आउटपुट इज इक्वल टू ओ एल, ये ओ एल ये वाला ले रहे हैं हम लोग ओ एल, ठीक है, सो ओ एल देन क्या होगा, टी आर इज इक्वल टू ओ एल, ये आउटपुट मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्राइस ओपी, सो मल्टीप्लाई प्राइस ओपी. ओके, दैट इज इक्वल टू एरिया, एरिया कौन सा आएगा आपके पास, एरिया ओ एल, यहाँ पर हम एस ले लेते हैं इसे, ओ एल एस पी. सो एरिया क्या आ गया आपके पास, एरिया ओ एल एस पी, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, ये हमारे पास क्या है यहाँ पर, ओ एल हमारे पास यहाँ पर है आउटपुट,
उसके बाद मल्टीप्लाई ओपी कितना क्या है यहाँ पर प्राइस, एंड देन ये एरिया ओ एल एस एस पी दैट इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू ओके। और यू कैन से और टी आर इज इक्वल टू समेशन एम आर दैट इज इक्वल टू एरिया ओ एल एस पी, क्योंकि वही हमारा एम आर है, यही हमारा एम आर है, यही हमारा ई आर है। सो एम आर के नीचे का ये सारा एरिया ओ एल एस पी यानी समेशन ऑफ जो एम आर है वो हमारा क्या होगा एवरेज टोटल रिवेन्यू। सो आपको यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या हुई कि फॉर्म्स डिमांड कर्व और प्राइस लाइन इज द सेम, क्योंकि एक फॉर्म का डिमांड कर्व या प्राइस लाइन दोनों सेम होते हैं, ठीक है। जो फॉर्म का प्राइस लाइन होती है, जैसे ये प्राइस लाइन है, यही उसका क्या है डिमांड कर्व होता है एक फॉर्म का। सो फॉर्म्स डिमांड कर्व और प्राइस लाइन इज द सेम एज एवरेज रिवेन्यू कर्व, बिकॉज ए आर मीन्स प्राइस, क्योंकि एयर का मतलब प्राइस है। सो ए आर मीन्स प्राइस एंड डिमांड कर्व, और डिमांड कर्व शोज क्या, डिमांड कर्व क्या शो करता है, हमने पीछे किया है डिमांड वाले चैप्टर में, डिमांड कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ फर्म्स आउटपुट, क्लियर। तो इसीलिए हमारे पास एक फर्म का जो एवरेज वैल्यू कर्व होता है वही हमारा क्या होगा उस फर्म का डिमांड कर्व होगा, क्लियर स्टूडेंट्स। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।